हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम भिड़ाने वाले हैं दो ब्रांड्स को, उसमें से एक ब्रांड है लोकल और दूसरी है इंटरनेशनल। और वो दो ब्रांड कौन सी है वो तो आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन उसका हमने कौन कौन सा फूड लिया है और दोनों ब्रांड्स की डिटेल्स क्या है वो सारी चीजें जानने के लिए आज की चैलेंज पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। कि जो लोकल ब्रांड है वो है अजय's, जिसके भाई गुजरात में 38 सिटीज से भी ज्यादा में आउटलेट्स है और उनके टोटल 140 से भी ज्यादा स्टोर्स है। और उनकी शुरुआत हुई थी गुजरात के नवसारी में से, तो भाई बहुत छोटी जगह से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज भाई यहाँ तक पहुंचे और अभी इतने सारे स्टोर्स है और इतनी सारी सिटीज में उनके आउटलेट्स है, फिर भी हम उनको लोकल ब्रांड बोल रहे हैं क्योंकि भाई उसके सामने जो ब्रांड है दूसरी वो है मैकडोनल्ड्स। भाई उसके 100 कंट्रीज से भी ज्यादा में आउटलेट्स है, आप सोचो। तो भाई अजय's के जो 140 के आसपास जितने स्टोर्स है ना भाई, उतनी कंट्रीज में तो इनके आउटलेट्स है, मतलब 100 से भी ज्यादा। और भाई इनके टोटल आउटलेट्स पता है तेरे को कितने हैं? कितने है? मैकडोनल्ड्स के टोटल आउटलेट पूरे वर्ल्ड में 40,000 से भी ज्यादा है। भाई 40,000, ओ माय गॉड। इधर 40,000 और भाई किधर 140, तो आप सोचो कि ये दोनों में कितना बड़ा फासला है। लेकिन ये दोनों को हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो अजय's ब्रांड है भाई वो फेमस है कम से कम प्राइस में कस्टमर को अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। यस, और मैकडोनल्ड्स फेमस है अपने टेस्ट के लिए। हाँ, और भाई वो तो उसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतने सालों से आप भी खाते आए होंगे और हम भी खाते आए हैं। लेकिन ये जो अजय's है भाई, उसका शायद पूरा नाम अजय's टेक अवे फूड्स है, लेकिन भाई ये जो ब्रांड है ना वो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देती है। और उनका मेन वो क्या बोलते हैं मोटो ये है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते और उनको भाई ये फ्राइज, बर्गर, फिर कोल्ड कॉफ़ी, हाँ ये सारी चीज़ें अगर पीनी है तो भाई वो तो उतने सारे पैसे तो नहीं खर्च पाएंगे और शायद खर्चेंगे तो भी एक आध बार। लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे और वो बाकी सब लोग होंगे भाई जिनको भाई ज़्यादा ऐसे चीज़ें बार बार खाने का मन करे तो उनकी जेब पर भी वो भारी ना पड़े, तो ये सब सोचकर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और भाई आज हम वही टेस्ट करेंगे क्योंकि भाई मैंने आज तक अजय's का कुछ भी टेस्ट नहीं किया है। तूने? भाई मैंने बहुत सारी बार किया है। क्या बात कर रहा है भाई, मुझे तो पता है। और भाई ये दोनों ब्रांड है ना कितना फासला है एक्सपीरियंस का दोनों ब्रांड के पास, वो भी आपको बता देता हूँ। अजय's है, उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। जस्ट अभी अभी हुई है, ऐसा ही बोल सकते हैं, 9 साल के आसपास। और जो मैकडॉनल्ड्स है उसकी शुरुआत हुई थी 1940s में। ओ भाई, तो हमारा देश आजाद हुआ था उससे भी पहले हो चुकी थी। हाँ, तो समझ उसके पास 40 और 60, 2000 और 23, मतलब 83 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनके पास सिर्फ 9 साल का। लेकिन भाई आज यही देखेंगे कि भाई ये 83 वर्सेस 9 इयर्स, ना क्या बोलते हैं भाई, 9 साल तो भाई 83 साल वर्सेस 9 साल का एक्सपीरियंस में भाई कैसा फूड बन के निकलता है उनका और उनका भाई टेस्ट कैसा है और वैल्यू फॉर मनी कैसा है, वही आप सारी चीजें हम भाई देखेंगे। लेकिन भाई उसके लिए हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा बाहर। हाँ, क्योंकि भाई ये वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, कितना है, वो सब देखने के लिए भाई हम आज इधर नहीं कुछ करेंगे, हम आज जो भी करेंगे वो उनके स्टोर्स पर जाकर करेंगे। तो भाई वहाँ से जाएंगे, खाना लेंगे और फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो हम पहुँच गए अजय's और अभी भाई हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे। भाई वैसे यहाँ पर कितना सस्ता है खाना, भाई 25 रुपए की कोल्ड कॉफी और स्टार्टिंग वहाँ से होता है। और फिर बर्गर की भी प्राइस देख लो भाई, 35 रुपीज से स्टार्ट होता है, 35 से लेकर 45 रुपीज के बर्गर। तो हमने तो भाई सबसे महंगा ही करवाया है, 45 वाला। भाई ये देख, वोकल फॉर लोकल, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, हमको जो अच्छा लगेगा वो बताएंगे और जो खराब लगेगा वो भी बताएंगे, इनफैक्ट जो वैल्यू फॉर मनी लगेगा वो बताएंगे। तो भाई फाइनली हमने पार्सल करवा लिया है अजय's से, ड्राइव थ्रू वाले मैकडोनल्ड्स पे आ गए हैं। और इधर हमने ना लास्ट वो ड्राइव थ्रू वाला वीडियो था ना वो इधर बनाया था, तो भाई हमको देखेंगे ना तो उनको पक्का ऐसे ही लगेगा कि ये लोग बार बार आएंगे अभी। बर्गर आपके पास सबसे महंगा कौन सा है, वेज में या नॉन वेज? वेज 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 भाई ले रहे तो सबसे महंगा ही लिया ना, क्योंकि अजय's का भी सबसे महंगा वाला ही लिया था भाई, उसका सबसे महंगा भी वो 45 रुपीज का था। फिर भी अभी कंपेयर करना है तो भाई महंगी महंगी चीजों के साथ ही कंपेयर करेंगे। वही वही भाई, मैकडोनल्ड्स का भी हम सबसे महंगा वाला लेंगे। स्पाइसी प्रीमियम वेज सर, स्पाइसी प्रीमियम वेज कितने का है वो? 220
महाराजा से विदाउट जीएसटी, महाराजा से भी महंगा है, मैक महाराजा से। हां वेज महाराजा भी आपका 202 का है विदाउट जीएसटी, तो उसके उससे महंगा है ना ये वाला। हां तो ये एक कर दो, एक लार्ज फ्राइज कर दो। और कोल्ड कॉफी में क्या है, मतलब कोल्ड कॉफी, आइस कॉफी, कोल्ड कॉफी कर दो एक लार्ज। क्या आती है क्या इसमें, रेगुलर आ जाएगा सर, स्मॉल आ जाएगा। तो रेगुलर ही करो फिर, लार्ज नहीं होगा क्या वो? लार्ज नहीं होगा, रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर स्मॉल, मतलब मिलता ही है लार्ज। हाँ सर, क्योंकि रेगुलर नॉर्मल आता है, रेगुलर जो रहता है स्मॉल आता है। ठीक है, रेगुलर ना 569 सर। भाई दोनों जगह का प्राइस डिफरेंस देख लो, हमने दोनों जगह से एक बर्गर लिया है, एक फ्राइज लिए हाँ, और एक कोल्ड कॉफी। हाँ तो भाई जो अजय से लिया था ना उसका सबका मिलाकर टोटल कितना है, सिर्फ 120 रुपया, और इधर हो गया 569। माय गॉड भाई, का डिफरेंस देखो कितना बड़ा है भाई, 120 और 569। हाँ अरे भाई, मतलब एक एक मेरे को थोड़ी मैं गिनती में कच्चा हूँ ना, तो एक मिनट रुक जा भाई। वैसा है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है प्राइस में तो भाई, ऑलमोस्ट 5 बार हम खा सकते है अजय में से। अच्छा, जितना मैकडोनल्ड्स में से लिया है ना उतनी चीजें अगर अजय से लेना तो ऐसी 5 बार ले सकते हैं हम। माय गॉड भाई, ये तो बहुत डिफरेंस आ गया है, बहुत डिफरेंस है प्राइस में तो, अभी टेस्ट में कितना डिफरेंस है वो देखेंगे। हाँ अभी प्राइस देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अजय आगे है। और आज हम वहाँ पर गए थे ना तो मोस्टली स्टूडेंट्स वगैरह ज्यादा आ रहे थे उधर, तो भाई जिसको पॉकेट मनी मिलता है ना वो लोग इधर से ज्यादा उधर जाना पसंद करेंगे। वो ही, क्योंकि यही सारी सेम चीजें वहां पर आपको बहुत सस्ते दाम में मिलती है। थैंक यू भाई, आ गया हमारा मैकडोनल्ड्स का पार्सल, सिर्फ अभी कोल्ड कॉफी लेनी बाकी है। थैंक यू, और भाई ये हमारी कोल्ड कॉफी भी आ गई। हाँ भाई, फाइनली हम दो जगह का खाना लेके इधर आ गए हैं। तो भाई एक तो हमारी जो लोकल ब्रांड है वो है अजय's, तो अजय's से हमने ये तीन चीजें ली है। और भाई हमारी इंटरनेशनल ब्रांड है वो है मैकडोनल्ड्स, तो भाई उससे भी हमने तीन चीजें ली है। तो भी एक एक करके दोनों ब्रांड्स की हम चीजें टेस्ट करते जाएंगे, तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कोल्ड कॉफी। अभी सबसे पहले मैकडोनल्ड्स की कोल्ड कॉफी ट्राई करते हैं। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अभी तू टेस्ट कर, उसके बाद में हम रिव्यू देंगे। लेकिन ये कैसी है भाई, वो तो दिखा नजदीक से। तो भाई मैकडोनल्ड्स की कोल्ड कॉफी टेस्ट कर ली, अभी बारी है अजय's की। बोला वैसे मीठे के ऊपर मीठा खाते हैं ना तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन भाई हम है ना बहुत शातिर हो गए तो हमको सब पता चलता है। हाँ अभी मैं टेस्ट करूँ। हाँ अच्छी है, थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी लग रही है ना, क्रीमी और थोड़ी गाढ़ी भी है भाई, मतलब ठीक है, ठीक है ठीक है, लेकिन वो कॉफी वाली कड़वाट नहीं है इसके अंदर। हाँ वही जो एकदम कड़क वाली कॉफी जो बोलते हैं। हाँ, ना ऐसी कड़वाट नहीं है, कड़क नहीं है, लेकिन भाई अच्छी है, ठीक है, मतलब वो क्रीमी वाला पूरा फील आता है इसके अंदर। और मैकडोनल्ड्स की जो कोल्ड कॉफी है ना वो बहुत पतली है भाई। हाँ टेस्ट उसका अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं अच्छा है, लेकिन दोनों की प्राइस बता देते हैं भाई। ये कितने की आई भाई? ये है ना 25 रुपए का एक ग्लास। ओ भाई साहब, और ये जो है ना मैकडोनल्ड्स की कोल्ड कॉफी वो है 205 की। हाँ 205। और मैकडोनल्ड्स दिख क्यों नहीं रहा, ब्रांड नहीं है। हाँ ये, नहीं नहीं ये भाई, ये भाई 205 रुपए का एक ग्लास, मतलब आप सोचो ऐसे ऑलमोस्ट भाई कितने ग्लास बन जाएंगे, 9 ग्लास। हाँ वही ना भाई, बहुत सारे बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 8 ग्लास बन जाएगी ऑलमोस्ट भाई, ऐसे 8 ग्लास आ जाएंगे अजय's के, 8 या 9 ग्लास आ जाएंगे तब जाके ये एक बनेगा। हाँ। तो भाई वैल्यू फॉर मनी तो अजय's की कॉफी लग रही है। वही वही, और भाई टेस्ट भी अच्छा है। हाँ उतना कॉफी वाला स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी अच्छा है, अगर टेस्ट में देखने जाए ना तो भाई ये वाली थोड़ी सी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी देखे ना भाई इसकी है अजय's। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 रुपए इसके लिए बोल रहे, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा ही है। अच्छा है, अच्छा है भाई। तो अभी टेस्ट करेंगे फ्रेंच फ्राइज भाई, कॉफी में तो अजय's जीत गया। अभी फ्रेंच फ्राइज में आपको प्राइस डिफरेंस बता देते हैं पहले भाई, ये जो फ्रेंच फ्राइज है अजय की वो आई है कितने की विशु? 50 रुपीज की, 50 रुपए की, 50 रुपए की, और ये है 130 रुपए की भाई। ऐसी है ना 2 2.5 2.5 आ जाएगी तब जाके ये एक बनेगी। वैसे साइज में फर्क है, ऐसा नहीं है कि भाई क्वांटिटी सेम है, लेकिन फिर भी इतनी भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इसकी कि भाई ये 2.5 बने और ये 1 बने। तो भाई फ्रेंच फ्राइज भी महंगी है। अभी टेस्ट करेंगे दोनों के फ्रेंच फ्राइज का। सबसे पहले भाई मैकडोनल्ड्स की ट्राई करते हैं। और अभी मैं अजय's की करूँगा और विशु भी ऐसे ही ट्राई करेगा दोनों, और फिर बताएगा कौन सी अच्छी लगती है।
मैकडॉनल्ड्स की तो बहुत सारी बार खाई है, तो वैसे भी उसका टेस्ट दिमाग में छप गया है। अभी खाते ही अजय इसकी फ्राइज। तो भाई मैंने टेस्ट कर लिया, अभी विशु टेस्ट करेगा, फिर आपको बताएंगे। तो भाई अब मेरी बारी है, तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं ये मैकडी की। वो तो भाई हमेशा खाते रहते हैं तो उसका तो उतना वो नहीं है। अजय इसकी टेस्ट करके बता, ये किसकी निकाली? अरे सॉरी भाई, अभी मैंने ये अजय इसकी ट्राई की। वो तो पीछे से हाथ निकलेगा तो समझ नहीं आएगा। तो भाई सबसे पहले मैं मेरा वोट बता देता हूँ। मेरे को तो लगता है कि दोनों में उतना फर्क नहीं है, है ना? है फर्क, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, उतना फर्क नहीं है कि भाई आप ये छोड़ के वो खाओगे या फिर वो छोड़ के ये खाओगे। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है। तेरे को? भाई मेरे को भी है ना ऐसा ही लग रहा है। एक चीज मैं तुझे दिखाता हूँ, देख, ये लंबी वाली मैकडी की है और ये अजय की है, लेकिन देखने में दोनों सेम ही है। मतलब ये वाली फ्राइज को इधर डाल दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि हाँ, कौन सी किसकी है। भाई टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का फर्क है, और उतना भी हम नहीं बोल सकते। देखने जाए तो भाई अजय की फ्रेंच फ्राइज जीत गई। जीत इसलिए गई भाई, दोनों की देखो टेस्ट एक जैसा है, तो वैसे देखने जाए तो दोनों जीत गए, लेकिन हम जो वैल्यू फॉर मनी का वो देख रहे हैं ना उस हिसाब से, तो भाई अजय इसकी फ्राइज सस्ती भी है और अच्छी भी है, तो भाई वही जीत गई ना। भाई अब आ रही है मेन बर्गर की। तो भाई ये है मैकडी का, इसका नाम है मैक स्पाइसी प्रीमियम वेज बर्गर। और अजय इसका है पेरी पेरी चीज बर्गर। भाई वैसे ये दोनों बर्गर की कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि भाई ये हमको बहुत महंगा मिला, मतलब महंगा वाला मैकडी का लिया है वो जो भी होगा वो, और फिर ये लिया है अजय इसका महंगा वाला। भाई ये अजय इसका जो हमने लिया है ना ये सबसे महंगा है। कितने का? भाई 45 रुपीज का। और ये जो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है ना वो है 235 रुपीज का, 235। बहुत फर्क है विशु। अनबॉक्सिंग करे इसकी और देखते हैं कि बर्गर के अंदर क्या। अरे ये क्या हो गया, मेरे को ऐसा के कागज में लपेट के देंगे, ये तो उलट सुलट हो गया। भाई ये तो कुछ अलग ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। टिक्की है, टिक्की है, बहुत बड़ी सी चीज रखी है, सॉस डाला हुआ है, और ये एलेपिनोज है, और फिर ये है अपना लेटस। बस भाई इतना सा ही है, और टमाटर नहीं है भाई इसके अंदर, टमाटर बहुत महंगे हो गए ना। अभी भाई अजय का बर्गर देखते हैं। भाई ये देख लिया 235 में कितना मिला, अभी देखेंगे कि भाई 45 रुपीज में कितना मिलता है वही, और इसके अंदर क्या क्या वेजिटेबल्स आते हैं। वैसे विश्वास, हम इधर खोपचे में आकर ये सुमसाम सड़क पर ये काम कर रहे हैं, आते जाते लोग हमको ऐसे देख रहे हैं ना जैसे भाई क्या गलत काम कर रहे हैं ये लोग। भाई सब लोग देख रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। इधर देख, ये है अजय इसका सबसे महंगा बर्गर। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक टिक्की है और दो तरह के सॉस है। ओ नीचे है ना प्याज, प्याज भी है भाई। वैसे भाई मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि भाई ये बहुत छोटा लगे उसके सामने। वही भाई है ना। तो सबसे पहले है ना मैं मैकडॉनल्ड्स का ट्राई करता हूँ। नहीं, इस बार अजय इसका ट्राई करता हूँ। चल, मेरे को खाने का मन कर रहा है। कैसा है टेस्ट में? अभी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। नहीं, लेकिन अभी तो दोनों टेस्ट करके तेरा रिजल्ट पता देगा, फिर मैं मेरा बताऊंगा। भाई एक बात बोलूं, भाई जैसे मैंने बाइट लिया ना ये बर्गर का अजय इसका, भाई ऐसा मैं खो गया। ओ भाई इतना मस्त है। और किधर खो गया भाई? बस खो गया मैं। और ये मैकडॉनल्ड्स का बोल तो सही, खाने में इतना लग गया है ना, कुछ बोल नहीं रहा है क्या खा रहा है। ये मैकडॉनल्ड्स का महंगा वाला। और कैसा है? ये भी अच्छा है, लेकिन जो अजय इसका बर्गर था ना वो भाई एक नंबर। मतलब टेस्ट में आगे सच में बोल रहा है या फिर पैसे कम है इसके? नहीं 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 भाई, मैं अभी इस बार टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पैसे तो भाई साइड पे रखते है, लेकिन भाई टेस्ट की बात करे ना। हाँ, अगर तेरे को पता ना हो कि ये अजय का है ये मैकडी का है ऐसा करके कुछ भी, और मैं तेरे को अलग अलग से ऐसे ही खिलाऊ तो तू किसको पसंद करेगा खाना? अजय का। भाई क्या बात कर रहा है। हाँ, इस बार मैं पैसे नहीं देख रहा हूँ, मैं टेस्ट देख रहा हूँ। हाँ। और भाई पैसे और टेस्ट देखे ना तो भी ये अजय का बर्गर भाई जीतता है। कुछ अलग ही बात है इसके अंदर भाई। भाई इतनी तो कितनी अलग बात है, ये है ना बिना पैसे का हमने अजय इसका इतना बड़ा प्रमोशन कर दिया है ना भाई। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है ना तो भाई पैसे भेज देना, अकाउंट डिटेल्स में भेजता हूँ आपको। भाई 120 रुपया टोटल हो गया है। नहीं नहीं 120 नहीं भाई, फिर तो ज़्यादा लेंगे ना, हम प्रमोशन कर रहे हैं तो फिर। भाई कोई भी प्रमोशन नहीं है, ये मजाक मजाक की बात है। अभी वैसे मेरी बारी है, मैं टेस्ट करूंगा और फिर फाइनल रिजल्ट आपको देते हैं कि भाई दोनों में से बेस्ट कौन सा है, पैसे के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से। तो मैं भी सबसे पहले अजय का बर्गर ट्राई करूंगा।
वो उठाते वक्त ही ये कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है स्पंजी, ये देखो स्पंजी। ये देखो अगर पूरा दबा रहा हो ना तो फिर से वापस ऐसा ऊपर आ रहा है। फ्रेश है बन, बन फ्रेश है और सॉफ्ट भी है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। है ना, अच्छा है, अच्छा है। कुछ बात तो है ना इसमें, कुछ नहीं बहुत कुछ बात है वही। और अभी बारी है मैकडॉनल्ड्स बर्गर की। मैकडॉनल्ड्स का कौन सा है अपना, मैक स्पाइसी प्रीमियम वेज बर्गर। मैं सबसे महंगा वाला 235 वाला। अबे आकाश भाई कंफ्यूज हो गए। नहीं अच्छा तो है लेकिन, लेकिन मुझे पता है भाई अजय इसका जो है ना उसमें कुछ और ही बात है। उनका जो सॉस है ना हाँ। बहुत टेस्टी है। तो भाई मेरे को तो अजय इसका बर्गर भी अच्छा लगा, कॉफी भी अच्छी लगी और फ्राइज भी अच्छी लगी। भाई मुझे भी है ना तीनों तीन चीजें अच्छी लगी और इतनी सस्ती। आप सोचो ये पूरा जो मील था तीन चीजों का, कॉफी बर्गर और फ्राइज का, वो हमको अजय्स में से पड़ा सिर्फ 120 रुपए का। हाँ और मैकडी में से हमको पड़ा 569। तो भाई पांच गुना महंगा और इतना ज्यादा डिफरेंस। और भाई टेस्ट भी उतना यूनिक नहीं है ऐसा देखने जाए तो मैकडॉनल्ड्स का। अच्छा है नो डाउट। हाँ लेकिन भाई अजय्स का भी आप कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा है। और अगर पांच गुना सस्ता मिल रहा है तो भाई ट्राई करने में दिक्कत ही क्या है। और भाई पर्सनली ना अभी मैं भी अजय्स का फैन हो गया हूँ। हाँ, तो ऑलरेडी खाता था ना उधर भाई। मैं इसलिए खाता था कि मुझे अच्छा लगता था ये अजय का फूड। और आज तूने भी ट्राई किया और तुझे कैसा लगा? अच्छा लगा भाई। इसको एक बार आप ट्राई करोगे ना हाँ समझ जाओगे भाई ये अच्छी चीज है और कम दाम में अच्छी चीज है ये लोग देते हैं। तो भाई और वो भी उनका मतलब वो क्या बोलते है ये मोटो उनका वही है कि भाई कम पैसे में बेचेंगे तो भाई जो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते भाई वो लोग भी ये सारी चीजों का आनंद उठा सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। वही क्योंकि भाई ये मैकडी का इतना महंगा खाना और रोज तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर वही भाई सच बात है कि भाई हम भी नहीं कर सकते इतना रोज रोज महंगा खाना। वैसे रोज रोज ये सारी चीजें खानी नहीं चाहिए लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पर समझो वीक में एक बार, वीक में दो तीन बार तो रोज ही हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो कोई नहीं देखो अभी आज है ना हमने लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड को आपस में भिड़ाया था तो भाई आज जीती है हमारी लोकल ब्रांड। भाई ये जो अजय ब्रांड है ना वो छोटी है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। और छोटी भी इतनी छोटी नहीं है भाई 140 से ज्यादा स्टोर्स है ना भाई। हमारी एक दुकान नहीं खुली इधर, उनने 140 खोल ली। नहीं लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं भाई मैकडॉनल्ड्स के साथ तो भाई देखने जाए तो ये छोटी हुई मैकडी के सामने। लेकिन भाई किधर 40,000 स्टोर्स और किधर 140 स्टोर्स। वही लेकिन भाई देखो सच में है ना हमको अजय्स का फूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो आज का ये फूड कंपैरिजन था उसमें जीतता है अजय्स। तो बस आज की चैलेंज यही तक रखते हैं। आपने कभी अजय्स ट्राई किया है नहीं वो भी जरूर बताना और मैकडी ट्राई किया है कि नहीं वो भी बताना। वैसे मैकडी तो किया ही होगा हाँ। लेकिन भाई अजय स्पेशली गुजरात में अगर रहते हो तो बस इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना और आपने क्या ट्राई किया है वो भी जरूर बताना। और भाई अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।